इस एल्बम ने। मारुति सोल्जर्स के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। निर्धारित 6 ओवर का मुकाबला ये आज का आखिरी मुकाबला रहेगा। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था मंथन भट्ट ने। दोनों ही पारंपरिक बल्लेबाज अपने अपने स्थान के ऊपर, मंथन भट्ट स्ट्राइक के ऊपर है और नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर है लालू बद्री। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है पारी का पहला ओवर यानी कि पावर प्ले। 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। गेंदबाजी के ऊपर आसिफ मेमन अपने गोटे का ये पहला ओवर लेकर, टीम की ओर से पहला ओवर लेकर। शॉर्ट गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर, गेंद गई है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। वन बाउंस के बाद 4 एक फील्डर को शामिल किया जा रहा है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक इनसाइड आउट जिसको कहा जाना चाहिए, वन बाउंस के बाद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। दो गेंदों के ऊपर 2 चौके, कुछ सलाम मशवरा जरूर करेंगे वहां पर आसिफ धर्मपुर। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया गया था कप्तान की ओर से। आज का ये आखिरी मुकाबला चल रहा है मारुति सोल्जर्स और बहनान टाइगर्स के बीच में। आसिफ मेमन फिर से एक बार बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार, सम्मान दिया है सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला है। पॉइंट के ऊपर फील्डर मौजूद इरफान, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर लालू बद्री। बारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है 8 रन। इस बार बल्ले का अंदरून हिस्सा लेकर गेंद गई सीधे शॉर्ट लेग के ऊपर, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ मारुति सोल्जर्स का 9 रन। व्हाइट इज लॉग ऑफ के ऊपर एक फील्डर को भेजा जा रहा है शहजाद कादरी। व्हाइट इज लॉग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर लालू बद्री के लिए। शॉर्ट गेंद बैठक बनाकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास वहां पर बल्लेबाज लालू बद्री की ओर से। सही टप्पे के साथ गेंदबाजी की जा रही है आसिफ मेमन की ओर से पारी के ये प्रारंभिक ओवर में। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 9 रन। फुल टॉस गेंद जरूर थी वहां पर, हल्की सी अपील जरूर हुई, उससे ज्यादा विश्वास कम। स्पीच नकार दिया अंपायर ने। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन।
आज का ये आखिरी मुकाबला बाहनान टाइगर्स और मारुति सोल्जर्स के बीच में। अपने गोटे का ये पहला ओवर टीम की ओर से, दूसरा ओवर रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे अब सेजाद कादरी। पावर प्ले का ओवर, स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज मंथन भट्ट। फुल टॉस के एंड बैठक बनाकर स्ट्रोक को खेला है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से, यूज एंड हाई टॉप शॉट। रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है डबल अंकों में 15 रन। पारी का ये दूसरा ओवर जारी, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। स्लो गेंद, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास वहां पर, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे गेंद जरूर रही थी और गेंद गई सीधे विकेट कीपर सज्जाद के दस्तानों में। पारी का ये दूसरा ओवर चलता हुआ, टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 15 रन। एक निर्णायक पारी खेली जा रही है बल्लेबाज मंथन भट्ट की ओर से। आज का आखिरी मुकाबला चलता हुआ बाहनान टाइगर्स और मारुति सोल्जर्स के बीच। इस बार डाउन द ग्राउंड मिड ऑन के ऊपर मतिन अंसारी फील्डिंग कर रहे हैं, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज अवेलेबल की गई श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर कुलदीप पटियार और भिकुभाई पटियार की ओर से। इस बार ऊंचा लगाना का प्रयास जरूर किया गया था, वहां पर गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में। लगातार ये डॉट गेंद सही टप्पे के साथ गेंदबाजी की जा रही है वहां पर गेंदबाज सेजाद कादरी की ओर से बाहनान टाइगर्स के लिए। आज का ये आखिरी मुकाबला इस बार रिवर्सिव खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर, वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज ने, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। वन बाउंस के बाद गेंद गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर। वाले छोर से गेंदबाजी हो रही है और अगेन थमाई है सज्जाद शेख ने आसिफ मेमन के हाथों में।
स्वीप करने का प्रयास वहां पर शॉर्ट लेग के ऊपर, शंकर भाई मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज लालू बद्री, अभी भी खाता खोलना बाकी। फुल टॉस गेंद, स्वीप किया है, झाड़ू शॉट जिसको कहा जाना चाहिए, स्क्वायर लेग के ऊपर, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। पारी का यह तीसरा ओवर चल रहा है। इस बार शॉट गेंद जरूर थी वहां पर, कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज मंथन भट्ट। सही टप्पे के साथ गेंदबाजी हो रही है आसिफ मेमन की ओर से। पारी के ये तीसरे ओवर में आज का आखिरी मुकाबला चलता हुआ बहनान टाइगर्स और मारुति सोल्जर्स के बीच में। ब्लॉक हॉल में गेंद, सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला है, गेंद गई है सीधे सिजात कादरी के दस्तानों में। यही सोच के साथ बल्लेबाजी हो रही है मंथन भट्ट की ओर से, एक फाइटिंग स्कोर बनाया जाए। अब सज्जाद शेख की यही सोच रहेगी कि कम से कम स्कोर के ऊपर रोका जाए मारुति सोल्जर्स को। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, घुटना टेका है, बैठक शॉट जिसको कहा जाना चाहिए, डीप इन आज के बर्थडे बॉय है लालू बद्री, तो एक निर्णायक पारी, यादगार पारी जरूर खेली जाएगी। इस बार क्रॉस द लाइन खेला है डीप इन विकेट के ऊपर, वन बाउंस के बाद गेंद गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर, चार रन के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 32-32 रन विदाउट लॉस। आगे का हाल सुनाएंगे मेरे साथी और सहयोगी कमेंटेटर राज चौहान सर। तीन ओवर के बाद 32 रन बने हैं विदाउट लॉस मारुति सोल्जर्स वर्सेस बाना टाइगर्स के बीच में खेला जाने वाला यह मुकाबला, अब आज का आखिरी मुकाबला है। अब यहां से कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। बोल्ड आउट सिस्टम लागू हो गई है यहां पे जलाराम कृपा और बहुत बेहतरीन कैच, इस बार मानना पड़ेगा अब जमीन के ऊपर से उठाया उस प्रकार का कैच है, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब शंकर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। जो चोट से टूट गया वो कंकर कंकर हो गया, जो चोट को सह गया वो शंकर शंकर। ओवल नंबर का कैच, कल एक उसी प्रकार का कैच पकड़ा था जयदीप बारसोल ने और आज यहां पे शंकर ने कैच पकड़ा है, बेहतरीन कैच। बत्तीस रन बने हैं, नए बल्लेबाज के रूप में तरुण पहुंच चुका है स्ट्राइक के ऊपर, बाया हाथ का बल्लेबाज तरुण, गेंदबाजी के ऊपर शहजाद कादरी, एक अच्छे गेंदबाज है, अच्छे ऑलराउंडर के रूप में शहजाद कादरी को शामिल किया जाता है बहनान टाइगर्स की ओर से। अब तक एक आश्चर्य, एक गेंद 11 रन, एक सफलता।
सीधे बल्ले से सीधा इस बार स्टंप को यहां हिट किया था, बहुत तेजी से खेला गया था शॉट, तीर भी समा जाए उस प्रकार का शॉट था ये। इस बार हवा में और खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के ऊपर सीधी हाथ में गेंद ट्रैवल नहीं गई और लगने वाला एक और झटका और सैयद कादरी को मिलने वाली एक और सफलता। डीजे स्थान कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में। बत्तीस के ऊपर रुका हुआ स्कोर अभी भी। साकिर शेख नए बल्लेबाज के रूप में पहुंच चुके हैं विकेट के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर सज्जाद कादरी तैयार। ऑफ स्टंप के ऊपर खेलना चाहते थे इस बार, फील्डर बहुत ही चौकन्ने है, अच्छा फील्डिंग, गली के ऊपर खड़े फील्डर ने आगे गेंद को गेदर किया, तब तक कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। एक अच्छी गेंदबाजी सज्जाद कादरी द्वारा, आज सवेरे मैच खेला गया था बानन टाइगर्स और ठाकर रॉक्स के बीच में, उसमें सज्जाद कादरी मैन ऑफ द मैच हुए थे, दो ओवर डालने के बाद 13 रन देने के बाद 4 सफलता हासिल की थी, अब 2 सफलता मिल चुकी है इस बार। रिवर्स स्वीप में या उल्टा बल्ला चलाने की कोशिश की जा रही है, सैयद कादरी ने जब पहला ओवर किया था 11 रन दिए थे, अब एक असर ये 5 है, अब भी 11 है, मतलब ए ओवर में एक भी रन नहीं बना अभी तक। मिड ऑन विकेट ओवर मानना पड़ेगा, सैयद कादरी ने 2 सफलता निकाली और मिडल ओवर, इस ओवर में एक भी रन नहीं बना, चौथे नंबर का ओवर बर्नन टाइगर्स के लिए, वापसी करता हुआ सैयद कादरी, बेहतरीन गेंदबाजी, 4 ओवर के बाद 32 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर मारुति सोल्जर्स, करंट रन रेट 8 का चलता हुआ, प्रोजेक्ट स्कोर 48 तक जा सकता है। अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है, हमारे क्रिकेट समीक्षक बताते हैं जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं लौटने का वक्त हो जाता है। चार 32 2 विकेट मारुति सोल्जर्स, पिछले वाला ओवर सैयद कादरी ने मिडन ओवर किया, मिडन विकेट ओवर कहा जाएगा क्योंकि 2 सफलता और कोई रन नहीं। सैयद कादरी स्टंप के नजदीक खड़े हैं, सैयद कवर के ऊपर खेला गया था शॉट, इस बार खिलाड़ी है बॉलर एंड के ऊपर थ्रो नहीं गेदर कर पाए, रनआउट का खतरा जरूर टला था, थोड़ी मुश्किल में जरूर दिखाई दिए थे नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज, मगर सही सलामत वापस। इस बार लालू बद्री गेंद हवा में डीप स्क्वायर लेग के ऊपर सीधी हाथ में एक और सफलता लगने वाला, यहां तीसरा
अब यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी बर्नान टाइगर्स के गेंदबाज कल्पेश और सज्जाद कादरी द्वारा। पिछले 8 गेंदों के ऊपर 3 विकेट गए, रन एक भी नहीं बना। 8 गेंदों के ऊपर एक भी रन नहीं, 32 के ऊपर चिपक गया है। इस बार गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन यहां से 32 के बाद अब 33 बन चुका है। 33 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर ओवर नंबर 5वां प्रगति के ऊपर है। 7.5 का करंट रन रेट चलता हुआ प्रोजेक्ट स्कोर 44 तक जा सकता है। मिड विकेट के ऊपर इस बार खिलाड़ी है, लेकिन उसके ऊपर से बहुत ही बेहतरीन सही ओवर नंबर 5वां। यहां एक अच्छा शॉट साकिब शेख के बल्ले से निकला 4 रन के लिए। एक और इस बार डिप स्क्वेले के ऊपर से यूज एन आई टॉप शॉट, बहुत ही बेहतरीन आकाशी टोला। अब 6 के साथ बने हैं 3 विकेट के नुकसान के बाद मारुति सोल्जर्स वर्सेस बहनान टाइगर्स। पिछले ओवर में 12 रन जुड़े 1 विकेट के नुकसान के ऊपर कल्पेश के ओवर में। अब आखिरी ओवर, स्लॉग ओवर जिसे कहा जाता है, 6ठा ओवर किसके हाथ में गेंद थमाई जाती है वो आने वाला समय बताएगा। शंकर भाई के हाथ में गेंद थमाई गई है रोड एंड की ओर से। अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 6ठा ओवर करेगा शंकर, और स्ट्राइक के ऊपर है साकिर शेख और नॉन स्ट्राइक के ऊपर अकरम शेख। शंकर ने बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा आज। जिस प्रकार से देखा जाए तो गेंद डाउन हो रही थी और आखिरी वक्त के ऊपर जमीन से 6 इंच की ऊपर कैच पकड़ा बेहतरीन ड्राइव करने के बाद, और उसका श्रेय जाएगा हमारे आयोजक को, क्योंकि बेहतरीन ग्राउंड के ऊपर एक टूर्नामेंट का आयोजन किया। खुद शंकर गेंद को फील करेगा, तब तक 1 ही रन मिलेगा। अब 1 के साथ 45 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 6ठा ओवर की शुरुआत हो चुकी है। मारुति सोल्जर्स वर्सेस बहनान टाइगर्स। ऑफ स्टंप के ऊपर खेलना चाहते थे इस बार सज्जाद से काफी खुश, क्योंकि गेंद बहुत बेहतरीन गेदर किया और डॉट गेंद गई। यहां एक एक डॉट गेंद बहनान टाइगर्स के लिए अच्छी साबित होती हुई, और एक एक रन मारुति सोल्जर के लिए अच्छा साबित होगा। गेंद हवा में इस बार स्क्वेले के ऊपर और अच्छा कैच, बहुत बेहतरीन निका है। लगने वाला एक और झटका, 4था विकेट 45 के ऊपर शंकर को। अब मारुति सोल्जर टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला करती हुई 45 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर।
अब गेंदबाजी के ऊपर शंकर तैयार। शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार सीधी विकेट कीपर सज्जाद शेख के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। काफी सारी डॉट गेंद कर रहा है यहां से शंकर, अब तक हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है बल्लेबाज को। 45 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के बाद। समय अब कुछ गेंदें बाकी है, अब गेंदबाज तैयार। यहां फाइन लेग के ऊपर और लॉन्ग ऑफ कोर्ट हटिया सर्कल के अंदर लिया जा रहा है कवर के ऊपर। एक और यहां पे पैर के ऊपर लगने वाइट बॉल, अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा और एक भाग के पूरा किया, मतलब 2 रन काउंट किया जाएगा। वाइट प्लस बाई 47, लॉस ऑफ द 4 विकेट, 6 ओवर इन प्रोग्रेस, 47 रन, करंट रन एट 8.29। खिलाड़ी है वहां पे और 6 रन, हाथ में टप्पा गिरी उसके बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एक और अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर, यहां सिंगल के लिए पलटवार किया है, रनआउट, यहां रनआउट के रूप में लगने वाला है 5वां झटका। विकेट
अब आने वाली कमेंट्री के लिए आकिब सिप को इनवाइट करता हूं। ग्रुप ए में से जलाराम कृपा के कप्तान और ओम स्ट्राइकर के कप्तान बोल्ड आउट जो किया जाएगा उसके लिए टॉस करना है, तो प्लीज दो कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आएंगे, जलाराम कृपा और ओम स्ट्राइकर। मारुति सोल्जर्स ने 53 रन बनाए हैं 6 ओवर की समाप्ति के बाद, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 54 रन बनाने हैं बहनान टाइगर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। रईस शेख और सज्जाद शेख दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज बहनान टाइगर्स की ओर से प्रस्थान कर चुके हैं। गेंदबाजी के ऊपर लालू बद्री योगेश भोया, बात की जाए मंथन भट्ट की तो फील्डिंग की सजावट की जा रही है मंथन भट्ट की ओर से। वाइट इज लॉन्ग ऑन के ऊपर एक फील्डर रईस शेख के लिए, डीप मिड विकेट के फील्डर को अब तीसकस दायरे के अंदर बुला लिया है। वाइट इज लॉन्ग ऑन के फील्डर को भी तीसकस दायरे के अंदर बुला लिया है। वाइट इज लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक फील्डर, गेंदबाजी के ऊपर पारी का ये प्रारंभिक और पावर प्ले ओवर लेकर लालू बद्री गेन करेंगे रईस शेख को, 54 रन बनाने हैं। जल्दी से जल्द इस मुकाबले को शुरू किया जाए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, सही टप्पे के साथ गेंदबाजी की गई वहां पर। पहली गेंद पावर प्ले चलता हुआ, 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। कल यहां पर सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा, धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन 4, बहुत बड़ा टूर्नामेंट। फुल टॉस गेंद, बल्ले का अंदरून हिस्सा लेकर गेंद गई है शॉर्ट इस थर्ड मैन के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। इस बार हवा में गेंद, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद जा रही है सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, सीमा रेखा को चीरती हुई गेंद, 4 रन। टाइगर्स ने अपना खाता खोला है, इस बीच ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज के लिए, और पॉइंट के ऊपर से हवा में गेंद, कैच हो सकता है और यह खूबसूरत कैच अकरम की ओर से लगने वाला पहला झटका, रईस से कैच आउट होकर पवेलियन की ओर। एक विकेट के नुकसान के ऊपर 4 रन, नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी के लिए।
लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुरेश यादव। दूर वाले छोर से गेंदबाजी हो रही है लालू बद्री की ओर से। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक विकेट के नुकसान के ऊपर टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 4 रन। इस बार बल्ले का ऊपरी हिस्से पर गेंद जरूर लगी थी, शॉर्ट स्टंप में इनके ऊपर गेंद गई है, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील किया जाए तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। बोल्ड आउट के लिए यहां पर टॉस हो रहा है। कैमरामैन जलाराम कृपा के कप्तान सागर मोदी यहां पर उपस्थित है और ओम स्ट्राइकर्स के कप्तान भी यहां पर है शिव अग्रवाल। बोल्ड आउट के लिए यहां पर टॉस हो रहा है। कैमरामैन एक ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन ओवर ये रहा है मारुति सोल्जर्स के लिए। मंथन भट्ट अपने कोटे का पहला ओवर, पावर प्ले का ये दूसरा ओवर लेकर मंथन भट्ट गेंदबाजी के ऊपर। वाइट यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए, सही टप्पे के साथ गेंदबाजी की जा रही है मंथन भट्ट की ओर से अपने पहले स्पेल में। थोड़े साइड हो जाए, धर्म राठौड़ से गुजारिश करूंगा। इस बार डाउन द ग्राउंड, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर लालू बद्री वहां पर मौजूद, रन आउट का खतरा और ये रन आउट, काफी बड़ा विकेट, सही फील्ड किया और सही जगह पर थ्रो भी। सुरेश यादव रन आउट हो, लगने वाला दूसरा झटका बहनान टाइगर्स को। दो विकेट के नुकसान के ऊपर 5 रन, टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है बहनान टाइगर्स का। नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है बल्लेबाजी के लिए, कल्पेश घरेलू क्रिकेट नानी वैयाड़ की ओर से खेलते हैं। मंथन भट्ट रोड एंड से गेंदबाजी की जा रही है। बात की जाए सज्जाद शेख के लिए कुछ इस प्रकार फील्डिंग की सजावट की गई, डीप मिड विकेट के ऊपर एक फील्डर को भेजा जा रहा है। लालू बद्री फील्डिंग कर रहे हैं डीप मिड विकेट के ऊपर। डाउन द ग्राउंड स्टोक को खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है तरुण, हल्की सी मिस फील्डिंग, उसके बाद सही तरीके से फील्ड किया लालू बद्री ने, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। दो विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर जारी। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज कल्पेश, इस बार खूबसूरत स्ट्रोक इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद गई है सीधे बाउंड्री लाइन की ओर, सीमा रेखा के काफी नजदीक से गेंद को फील किया है। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग साकिर कालू की ओर से। इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। दो विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर जारी। पावर प्ले अभी भी चलता हुआ, डीप मिड विकेट को बाउंड्री लाइन 30 गज दायरे के अंदर बुला लिया है कप्तान ने। इस बार स्वीप करने का प्रयास वहां पर, डॉट गेंद बिंदी गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, बिल्कुल सटीक निशाने के साथ गेंदबाजी की जा रही है, सही टप्पे के साथ गेंदबाजी की जा रही है मंथन भट्ट की ओर से। इस बार फुल टॉस गेंद, कैच हो सकता है, अक्रम पोजीशन बना रहे हैं कैच लपकने की, मिसफील्ड जरूर हुई वहां पर।
एक रन आसानी के साथ पूरा किया। दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 9 रन। आने वाली 24 गेंद अब जीत के लिए 45 रन चाहिए बहनान टाइगर्स को। कमेंट्री बॉक्स की ओर यहां पर बैठे हुए स्टेज के ऊपर कीर्ति भाई आहिर, धर्म राठौड़, रोहन भाई पटेल और मनीष भाई पटियार मैच का मजा ले रहे हैं। आज का आखिरी मुकाबला बहनान टाइगर्स और मारुति सोल्जर्स के बीच में अपने कोटे का ये दूसरा ओवर, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के ऊपर लालू बद्री। दूर वाले छोर से गेंदबाजी हो रही है लालू बद्री की ओर से। कल्पेश इस बार डाउन द ग्राउंड, सीधे बल्ले से स्टोक को खेला है, गेंद जा रही है सीधे वाइड, इस लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए। तब तक एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है डबल अंकों में 10 रन। दो विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर जारी। आज का आखिरी मुकाबला बहनान टाइगर्स और मारुति सोल्जर्स के बीच में। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज सज्जाद शेख और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सही टप्पे के साथ गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज लालू बद्री की ओर से। इस बार बल्ले का अंदरून हिस्सा लेकर वन बाउंस के बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार यह दूसरी बिंदी गेंद। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ, टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 10 रन। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास वहां पर, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी लालू बद्री की ओर से पारी का ये तीसरे ओवर में। इस बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास वहां पर, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी बहनान टाइगर्स का, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 10 रन। दो विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर चलता हुआ। लगातार चार गेंदे डॉट की गई है गेंदबाज लालू बद्री की ओर से। इस बार शॉर्ट गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद और आसान सा कैच लगने वाला है, तीसरा झटका सज्जाद से कैच आउट होकर पवेलियन की ओर। लालू बद्री को बर्थडे विश करने के लिए किरण राणे सर भी यहाँ पर आ चुके हैं, उपस्थित हुए हैं महाराष्ट्र से, उनका भी हार्दिक स्वागत है। तीन ओवर की समाप्ति के बाद तीन विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन। नए बल्लेबाज अब आसिफ शेख, एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली गई थी आसिफ शेख के बल्ले से आज ही के दिन इसी ग्राउंड के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज कल्पेश, गेंदबाजी के ऊपर मंथन भट्ट। इस बार क्रॉस द लाइन खेला है, गेंद जा रही है सीधे जमीन के सहारे, फील्डर वहां पर मौजूद हारून कादरी, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए। तब तक एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 11 रन। तीन विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का यह चौथा ओवर जारी। आने वाली 17 गेंदें जीत के लिए चाहिए 43 रन।
बल्लेबाजी के ऊपर अब आसिफ शेख। एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली गई थी ठाकर रॉक्स प्रतीक इलेवन के खिलाफ। शॉर्ट गेंद डाउन द ग्राउंड स्टोको खेला है, वाइड इज लॉन्ग ऑफ के ऊपर, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील किया जाए। तब तक एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का यह चौथा ओवर जारी। और इस बार क्लीन बोल्ड। नए बल्लेबाज सेजाद कादरी से गुजारिश है कि जल्द से जल्द विकेट के ऊपर आ जाए। आज का यह आखिरी मुकाबला चल रहा है बहनान टाइगर्स और मारुति सोल्जर्स के बीच में। टॉस जीता था मंथन भट्ट ने, एक बहुत ही निर्णायक स्कोर बनाया गया। पहले तो किरण राणे सर की ओर से एक इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है मारुति सोल्जर्स के गेंदबाजों के लिए। कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेगा तो 1001 रुपए का इनाम। और लालू बद्री के लिए भी इनाम, अगर यहां पर वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं, अगर कैच लपकते हैं तो 501 रुपए का इनाम किरण राणे सर की ओर से लालू बद्री के लिए। सेजाद कादरी फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर, डाउन द ग्राउंड खेला है, सीधे बल्ले से स्टोक को खेला है अपने ही बोलर थ्रू में। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग मंथन भट्ट की ओर से। पारी का ये चौथा ओवर जारी, टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 12 रन। कुछ गुप्तगु जरूर करेंगे वहां पर। इस बार बैठक बनाकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास, जमीन के सारे गेंद आ रही है सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए। तब तक एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 12 गेंदें जीत के लिए 41 रन। आगे का हाल सुनाएंगे राज चौहान सर। बहुत ही अहम मुकाबला चलता हुआ, यह 12 गेंदों के ऊपर 41 रन चाहिए, आने वाली 12 गेंद 41 रन। आसिफ शेख अभी भी मौजूद है विकेट के ऊपर और सजाद कादरी, जिन्होंने पिछली मैच जो खेली गई थी आज जिसका रुख मोड़ा था, सजाद ने 3 सिक्सर और आसिफ ने 4 सिक्सर लगाकर मैच को जिताया था। अब वही मुकाम आके खड़ा है यहां, अब कौन जीतेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर अरुण कादरी गेंदबाजी के ऊपर हमारे फार एंड की ओर से गेंदबाजी का बागडोर संभाले हुए है। स्ट्राइक के ऊपर है सजाद कादरी, गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बार तीर से बल्ले से सीधा शॉट, लॉन्ग ऑफ के लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी है सीधी हाथ में, या मिलने वाली एक और सफलता, एक बेहतरीन कैच। बद्री ने जो कैच पकड़ा तो उसके चाहने वाले की कमी नहीं है। किरण राणे सर महाराष्ट्र उद्वा से उपस्थित हुए हैं, महाराष्ट्र उद्वा ग्राउंड के प्रेसिडेंट है, उसकी ओर से हर कैच के ऊपर 500 रुपया था। लालू बद्री का आज बर्थडे है,
तो यह 500 रुपया कॉमेंट्री बॉक्स में जमा हो चुका है, आप मैच खत्म होने के बाद कलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सर, आपने प्लेयरों का हौसला कंटिन्यू है, ओके थैंक यू, कंटिन्यू है। यहाँ प्लेयरों का हौसला अफजाई के लिए आपका हम बार बार स्वागत करेंगे। अब 13 के ऊपर पांचवा विकेट गया, नॉन स्ट्राइक के ऊपर आसिफ शेख, स्ट्राइक के ऊपर मतिन अंसारी, ड्राइव किया इस बार कवर की दिशा में, खिलाड़ी है डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर पीछे, जब तक अपील किया जाए तब तक एक रन पूरा कर चुके थे। अब सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया, अब 14 रन, 13 के ऊपर अटक गया था, अब 14 के ऊपर पहुंचाते हुए सिंगल के साथ। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है अब तक बर्नान टाइगर्स बल्लेबाजी के ऊपर और मारुति सोल्जर्स गेंदबाजी के ऊपर। अच्छी गेंद थी इस बार, गुडलैंड के ऊपर टप्पा खाया सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, बेहतरीन गेंदबाजी लाइन डॉल लाइन के साथ मानना पड़ेगा। संपर्क नहीं हुआ इस बार, विकेट कीपर ने गेंद को गेदर किया, तब तक कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, एक और डॉट गेंद। यहां हमारे जो क्रिकेट के चाहने वाले सभी प्रेक्षक उपस्थित है उसे एक दरखास्त है कि अब यहां बोल्ड आउट किया जाएगा इस मैच के बाद, तो सभी अपनी जगह के ऊपर बैठेंगे, ग्राउंड के अंदर किसी को जाना नहीं है। अब तक मैसेज पहुंच गया होगा लेकिन माइक के जरिए मैं आपका वापस पहुंचा रहा हूं। अच्छी गेंद इस बार, ड्राइव किया है खिलाड़ी हेडी बाउंड लाइन के ऊपर, जब तक थ्रो किया जाए सिंगल रन, अब सिंगल के साथ स्कोर मूव 1-15 रन, लॉस ऑफ द फिफ्थ विकेट, सिक्स द फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस। स्वप्निल देसाई कैच पकड़ते हैं तो कीर्तिबाई आहिर की ओर से 2100 और ड्राइव करके पकड़ेंगे तो 5100 रुपया, यहां मान भी मिलेगा सम्मान भी मिलेगा लेकिन उसके लिए एड़ी चोरी का जोर लाजमी है। बहुत बेहतरीन शॉट इस बार, ड्राइव किया है कवर के ऊपर, गेंद जा रही है बाउंड लाइन की ओर, अब 5 ओवर के बाद 19 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर बर्नान टाइगर्स, अब 6 गेंदों के ऊपर 35 रन चाहिए, आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 35 रन, बर्नान टाइगर्स रिक्वायर 35 रन इन 6 बॉल्स। अब बर्नान टाइगर्स 19 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 ओवर की समाप्ति के बाद, करंट रन रेट की बात की जाए तो 4 के नीचे चलता हुआ, अब आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 35 रन, ऐसा नहीं कि नहीं बना, आज तक बहुत कैसे खिलाड़ी है जिन्होंने 6 गेंद के ऊपर 6 सिक्सर लगाकर मैच को जिताया है। महुआ तालुका का एक प्रीमियर लीग हुआ था जहां केपी करके एक बल्लेबाज था, 37 रन बनाए थे, 6 सिक्सर और एक नो का, मतलब 37 रन चेस किए गए थे। और द्वाड़ा प्रीमियर लीग में मयूर जो शिमला का खिलाड़ी है जिन्होंने 5 सिक्सर मार के मैच को जिताया था, ऐसे बहुत सारे केस है। आसिफ की बात करूं तो जब 19 साल का था तो जिम खाना के ऊपर 5 सिक्सर मार के मैच जिताया था इसी आसिफ ने, मगर उस समय उम्र थी 19 साल। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड है, 6 गेंदों के ऊपर 35 रन बन सकते हैं। अब स्ट्राइक के ऊपर भी आसिफ है, अब 6 गेंद 35 रन, लालू बद्री का जो कैच पकड़ा था तो किरण राणे साहब की ओर से 500 रुपये जमा हो चुके हैं हमारे पास। यहां स्वप्निल अगर कैच पकड़ते हैं तो 2100 रुपया कीर्तिबाई आहिर की ओर से, और ड्राइव करके पकड़ते हैं तो 5100 कीर्तिबाई आहिर की ओर से, स्वप्निल के लिए है प्राइस है। अब 5 गेंद 35 रन, टेनिस क्रिकेट है, अनिश्चित रे बड़ा खेल है, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी इधर, बहुत करार स्ट्रोक आसिफ के बल्ले से निकलने वाला, वन बाउंस, तीर भी शर्मा जाए वैसा शॉट था इस बार, बहुत करार मधुर साउंड आया था बल्ले से। अब 23 रन बन चुके हैं, अब 4 गेंदों के ऊपर, बोल्ड आउट के ऊपर 1000 रुपया किरण राणे सर दुआ महाराष्ट्र के ग्राउंड के प्रेसिडेंट। अब यहां पे लेफ्ट हैंड शॉट खेला गया,
चार रन। एक और चौका बटोरते हुए आसिफ शेख, बहुत ही बेहतरीन चौका बटोरा। अब तीन गेंदों के ऊपर 27 रन चाहिए, तीन गेंद के ऊपर 27 रन। बॉल आउट करेंगे तो किरण राणे साहब की ओर से ₹1000 है गेंदबाज डॉक्टर डैनियल, डॉक्टर डैनियल गेंदबाज। गेंदबाज तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर आसिफ शेख। स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है, अब यहां से रन नहीं लिया जाएगा। एक डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। इसके बाद बोल्ड आउट किया जाएगा जलाराम कृपा और ओम स्ट्राइकर के बीच में। तो हमारे सभी प्रेक्षक मित्र से निवेदन है, बाउंड्री लाइन के अंदर कोई नहीं जाएगा। समय को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जगह से देख सकते हो। वाइड बॉल लेग स्टंप के ऊपर, काफी बार गेंद थी, एक रन जरूर जुड़ेगा अतिरिक्त के रूप में। अब 28, दो गेंदों के ऊपर 26 रन चाहिए, आने वाली दो गेंद 26 रन। यह विकेट कीपर, यह कॉच कैच आउट किया गया विकेट कीपर द्वारा। आसिफ शेख को वापस जाना पड़ेगा, अब नए बल्लेबाज को जाना पड़ेगा। हमारे फारेन दूर वाले छोर से पहले गेंदबाजी की जाएगी, पांच गेंदबाज को इस्तेमाल किया जाएगा बॉल आउट में। दोनों टीम की ओर से पांच अलग अलग गेंदबाज पांच गेंद करेगा, अब उसमें से जो ज्यादा बोल्ड आउट करेगा वो क्वालिफाई होगा और जो नहीं कर पाएगा उसका सफर यही रुक जाएगा। एक टीम ओम साई 11 क्वालिफाई हो चुकी है सेमीफाइनल के लिए। कोई भी प्रेक्षक अंदर नहीं जाएगा, मैच खत्म होने के बाद तुरंत बोल्ड आउट शुरू करना है, कोई भी अंदर जाएगा नहीं। प्लीज ये रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे। एक गेंद 26 रन, एक गेंद के ऊपर 26 रन। अब यहां से वाइड बॉल, एक चांस और है डॉक्टर डैनियल गेंदबाजी के ऊपर। बोल करेंगे तो हमारे किरण राणे सर दुआ ग्राउंड के प्रेसिडेंट की ओर से ₹1000 है। उद्वा तलाश्री, अब यहां पे मैच जीत लिया है मारुति सोल्जर्स। प्लीज अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर कोई नहीं जाएगा, जो टीम है वो कैच पकड़ने के लिए किरण राणे सर की ओर से। और सर आपका बहुत बहुत आभार। दोनों टीम अंदर जल्दी पहुंचेगी, हमारे सामने की ओर से बोल्ड आउट किया जाएगा। सभी प्रेक्षक मित्र कमेंट्री बॉक्स के थोड़ा साइड में हटे,